हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करूंगा एससीएस प्रीलिम एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये आप इसको एज ए प्रैक्टिस सेट कर सकते हो और मेरे साथ साथ आप खुद भी करने की कोशिश कीजिएगा और डिस्कस भी करेंगे हम सवालों पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका सेट मेथड एंड रिटूनिंग मेथड आर द मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो सेट विधि और रीटूनिंग निम्नलिखित में से किस फसल के प्रसार की विधियां हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आप एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका जवाब बताता हूं और हम बात करेंगे कि जो है कि क्या होता है सेट मेथड और रीटूनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है आपके सामने, तो अगर हम ऑप्शन का जवाब देखें तो इसका जवाब गन्ना है, ये गन्ना है। तो अब बात कर लेते हैं सेट मेथड होता क्या है। तो सेट मेथड जो होता है आपका कि पुराने पौधों से कलमे लेकर सामान्य नए गन्ने की रोपाई की जाती है और सेट के रूप में ज्ञात ये कलमे शीघ्रतापूर्वक स्थापित हो जाती हैं और कुछ दिनों के बाद कलियां अंकुरित होती हैं जिनसे नए वृंत बनते हैं और कलम से 4 से 5 वृंत उगते हैं। गन्ना परिपक्व होने में 8 महीने से लेकर 1 साल लग जाता है। ठीक है, तो 8 से लेकर 12 महीने का वक्त लगता है। तो सेट मेथड आपका जो है गन्ने में यूज होता है, जो कलम बनाई जाती है। और रेटूनिंग जो है आपका, जो आपकी ये रेटूनिंग है, इसको पेड़ी बोलते हैं। इस विधि में पहली फसल के दौरान जड़ों सहित मिट्टी में वृंत का छोटा सा टुकड़ा छोड़ते हुए गन्ने की कटाई की जाती है और वृंत से शीघ्र ही नया पौधा या पेड़ी निकल जाती है और शेष बची फसल की जड़ों से प्राप्त दूसरी या कोई अन्य अनुक्रमिक फसल पेड़ी कहलाती है। तो जो ये आपकी ये विधि है, ये गन्ने में यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, शुगर केन आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इनलैंड पोर्ट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट आर लिंक्ड टू सी थ्रू ए रिवर और कैनाल। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड पोर्ट। तो जो अंतरदेशीय पत्तन है उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। पहला है आपका अबादान पोर्ट, सिंगापुर पोर्ट, कोलकाता पोर्ट और रोटरडम पोर्ट। तो चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन के में से आपने एक जवाब देना है। तो आप मुझे बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बताइए। तो बिल्कुल इसका जवाब है आपका सी। सी क्या है इसका, कलकत्ता। तो कलकत्ता इसका जवाब है, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो इसे आप सी कर लीजिए। चलिए तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। तो अंतरदेशीय पत्तन समुद्र से दूर स्थित होते हैं, ये नदी या नहर के माध्यम से समुद्र से जुड़े होते हैं। मिसिसिपी नदी पर स्थित मेम्फिश, ठीक है, तो एक है आपका मेम्फिश, ठीक है, मेम्फिश ये आपका मिसिसिपी रिवर के ऊपर है, मिसिसिपी। तो मेम्फिश जर्मनी में राइन पर स्थित मेनहेम, एक है आपका मेनहेम, ये आपका राइन पर है। और ड्यूइसबर्ग और हुगली नदी पर स्थित कोलकाता, तो जो आपका कोलकाता पत्तन है ये आपका हुगली पर है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके इनलैंड पोर्ट के एग्जाम्पल हैं। तो मैंने आपको एक तो बताया जवाब कोलकाता, अगर इसके अलावा मेम्फिस आ जाए, ठीक है, या मेनहेम पोर्ट आपका आ जाए जो कि जर्मनी में है, राइन के ऊपर है, ठीक है, जर्मनी में है, राइन रिवर पर है, आ जाए तो आपने, ये भी आपके इंग्लैंड पोर्ट के एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज पॉपुलरली नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी, एंड हैज एन एडवांटेजियस लोकेशन बींग क्लोज टू स्वेज कोलंबो रूट। जो आपका स्वेज कोलंबो मार्ग है उसके निकट होने के कारण जो है लाभ की स्थिति में है आपका ये। तो इसमें आप ऑप्शंस देखकर मुझे बता सकते हो क्या जवाब हो सकता है इसमें। तो कौन सा है, मुंबई पोर्ट, मारमागांव पोर्ट, तुतीकोरिन पोर्ट और कोचीन पोर्ट। ठीक है, तो उस पोर्ट को जो है आपका क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आप देखो एक बार क्या जवाब हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जो इसका जवाब है आपका डी जवाब है, कोचीन पोर्ट, ये डी जवाब है, कोचीन पोर्ट।
तो जो कोचीन पोर्ट है इसको कहा जाता है, तो वेम्बनाड कैनाल के शीर्ष पर स्थित कोचीन पोर्ट एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, नेचुरल पोर्ट है आपका। दूसरी बात, ठीक है, केरल में है, अरेबियन सी की रानी इसको कहा जाता है। स्वेज कोलंबो मार्ग के निकट होने के कारण इस पत्थर की अवस्थिति लाभप्रद है। यह पत्थर केरल, दक्षिण कर्नाटक और दक्षिण और पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताएं पूरी करता है। तो तीन स्टेट हैं जिनकी आवश्यकताएं पूरी करता है आपका कोचीन पत्थर, तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल की, तो वैसे केरल में है आपका, तो इम्पोर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन स्ट्रीम्स इज मोस्ट डोमिनेंट वन इन इंडिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वसन माइग्रेशन पर्वती भारत में सर्वाधिक प्रमुख है। तो चार ऑप्शन है, आसान सवाल है, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, इसके लिए आपने कोई विशेष पढ़ाई की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप कर जाओगे। तो इसमें प्रवास पूछा गया है, तो रूरल से गांव से गांव और गांव से शहर और अर्बन से गांव और अर्बन से अर्बन, चार है, बहुत सोच समझ कर आप जवाब देना इसका। तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन है वो इंडिया में कौन सा टाइप है, रूरल से अर्बन है, रूरल से रूरल है या अर्बन से रूरल है। हाँ, तो इसका जो जवाब है आपका वो ए है, ठीक है, थोड़ा सा आपको हैरत लगी होगी सुनकर जवाब। तो रूरल से रूरल जो है सबसे ज्यादा माइग्रेशन पाया जाता है, ठीक है, नहीं, इसमें सबसे ज्यादा महिला प्रवासी सम्मिलित होती हैं जो विवाह के बाद प्रवासित होती हैं, ठीक है, तो महिलाओं का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है शादी के बाद दूसरे गांवों में जाना। तो ये जो आपका रूरल से रूरल पर्वर्सन है, माइग्रेशन है, ये इंडिया में ज्यादा पाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक और सवाल देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो अगला सवाल आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर के ऊपर है और इसके मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूं आपके सामने। तो लार्ज एस्टेट प्लांटेशन, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इंडियन मतलब प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की विशेषता नहीं है, ये सवाल है आपका और आपने इसका जवाब बताना है। तो इसका जो जवाब है आपका, ये क्वेश्चन है आपका आपके सामने, एक बार सोचिए, मैं भी विचार कर लेता हूं इसके ऊपर क्या जवाब होना चाहिए। इसमें जो है ये डी जवाब है आपका, ऑल ऑफ द अबव आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो हमने नहीं बताना है, ठीक है। तो जो आपकी बागाती कृषि या रोपण कृषि होती है, तो विशेषतः विशाल स्टेट या बागान, विशाल पूंजी निवेश और प्रबंधकीय तकनीकी, कृषि और वैज्ञानिक विधियां, एकल फसल विशेषीकरण, सस्ता श्रम, परिवहन की अच्छी प्रणाली होती है, यह एस्टेट के उत्पादों के निर्यात के लिए कारखानों और बाजारों से संबंधित स्थापित करती है। तो जो है आपका, तो इसमें जो है आपका ये डी जवाब है इसका। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज ए प्योर रॉ मटेरियल विच डज नॉट लॉस वेट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। विभिन्न उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल शुद्ध कच्चा माल है जो विनिर्माण प्रक्रिया में अपना वजन नहीं खोता है। बहुत अच्छा सवाल है और इसके जवाब जो है देखने की कोशिश कीजिए, आयरन और कोल, कॉटन और इसके अलावा शुगर केन। तो इसका जो जवाब होना चाहिए, तो इसका जवाब है आपका सी जवाब है इसका, कॉटन, कॉटन जवाब है। कपास शुद्ध कच्चा माल है, यह विनिर्माण की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता है। लोहा और इस्पात उद्योग में लौह अयस्क और कोयला दोनों ही भार खोने वाले कच्चे माल हैं। चीनी उद्योग भी गन्ना भार खोने वाली फसलें हैं, ठीक है, तो इसका कपास जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और सवाल अरेबिका, आसान सवाल है, आपको पता चल गया होगा पढ़ते ही। रोबस्टा, लिबेरिका,
आर द एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, बताइए। काफी टाइम आपके पास है इसका जवाब देने के लिए, और कुछ लोगों ने बिल्कुल समझ लिया होगा, आसान सवाल है। रोबस्टा, लाइबेरी का, और तो पूछा गया है ये कौन सी फसल है। तो अरेबिका सभी को पता है कि ये कॉफी की फसल होती है, तो अगर आपने ये तो पता है अरेबिका बहुत कॉमन नाम है, तो ये आपका सी जवाब है, फैक्चुअल है और आसान है। तो जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं वो याद कर लीजिए, और सिंपल था लिबेरिया रोबस्टा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स कॉन्स्टिट्यूट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया। इस बार बड़े फैक्चुअल और आसान सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं, और लेकिन वही है कि आसान सवाल भी हमें सही करने आने चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स कॉन्स्टिट्यूट द मैक्सिमम लेंथ, तो निम्नलिखित में से सड़कों में से कौन भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई को समाविष्ट करता है? नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवे रोड्स, और आपके रूरल रोड्स। तो इसका जो जवाब होना चाहिए, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी आपका जवाब निकल आएगा। बहुत धैर्य से जवाब देना है, बहुत ही होशमंदी से आपने देना है, ठीक है ना, सोच समझ कर जवाब देना है। तो सर्वाधिक लंबाई जो है वो गांव की सड़कों की होती है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। रूरल रोड्स करीब 58% जो सड़कें हैं वो गांवों की सड़कें हैं, बाकी जो नेशनल हाईवेज हैं ये आपके 2% है, नेशनल हाईवेज 2% है। और अगर हम राष्ट्रीय राज उसकी स्टेट हाईवेज की बात करें तो वो 3.5% है आपके पास। तो ग्रामीण सड़कें इसका जवाब है। और एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद अब, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन, बहुत अच्छा सवाल है, टेम्परेट जोन की जो है फसल है आपकी, तो इसमें जो है निम्नलिखित कौन है, कौन सी है ये पूछा गया है। तो इसका जो जवाब है आपका टेम्परेट जोन में, आपको इसका है आपका ए जवाब है, ठीक है, ए जवाब है। गेहूं के अलावा अन्य सभी यानी कपास, गन्ना, कॉफी, ये आपकी सब ट्रॉपिकल जो है फसल मानी जाती है, उष्णकटिबंधीय। तो इसका जो जवाब आपका आएगा गेहूं, ठीक है, गेहूं आएगा, ठीक है। आपको याद होगा कि ये गेहूं जो है ना नवंबर में बोया जाता है, टेम्परेट जो है थोड़ा सा ठंडा ठंडे टाइम में बोया जाता है, कटाई इसकी अप्रैल मई जून में होती है। तो जवाब है इसका ए। आगे बढ़ते हैं, और कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, और इसमें दिया है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, और सामने एसोसिएटेड रीजन दिया हुआ है। तो मेज द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, हमेशा सवाल आते हैं इसके ऊपर, तो देख लेते हैं इसका क्या जवाब होना चाहिए। चलिए तो इसे करने की कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करो एक बार मेज करने की, आप कोशिश कीजिए। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रसार, प्रकार और उसके संबंधित क्षेत्र, तो पहला है गुच्छित यानी कि क्लस्टर्ड, और हेमलेटेड, और डिसपियर्ड। तो तीन तरीके के सेटलमेंट्स इन्होंने बता रखे हैं, गुच्छित, टोला पल्ली और परीक्षित बस्ती, और सामने इलाका दे रखा है कि ये कौन सा इलाका है, मेघालय में मिलते हैं, लोअर लकंगा में है या बुंदेलखंड में है। तो इसमें से सही पूछा गया है कि कौन कौन से सही है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें जो सही मिलता हुआ नजर आ रहा है वो दूसरा है, हेमलेटेड या टोला पल्ली जिसको बोलते हैं, ये गंगा का निचला मैदान है। बाकी जो आपका ये गुच्छित वाला है, जो गुच्छित वाला है ये मैच होता है आपका बुंदेलखंड से, ठीक है, तो बुंदेलखंड से मिलता है। और इसके अलावा जो ये आपका तीसरा वाला है ये पहले से मिलता है, तो ये आपका मैच है। तो इस तरीके के सवाल पूछ रखे हैं। तो जो क्लस्टर्ड है यानी कि काफी बसावट मुख्यतः मकानों को घना या आसपास बना वाला क्षेत्र होता है, उसको क्लस्टर्ड बोला जाता है, तो वो बुंदेलखंड का है। हालांकि सवाल का जवाब आपका सी है, ओनली टू, लेकिन अगर मेज द फॉलोइंग दूसरे तरीके से आ जाए तो आप इसको जो है एग्जाम्पल में आप लिख लेना, बुंदेलखंड में गुच्छित है, बड़ा घना घना सा नजदीक घर होते हैं, ठीक है। और जो आपका ये टोलापल्ली है, हेमलेटेड है, तो इसमें बसावट इकाइयों में खंडित होती है और आमतौर पर भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो इसे टोलापल्ली बोला जाता है। और एक आपका है परिक्षिप्त, डिसपियर्ड, तो बस्ती या अलग अलग बस्ती वाला ढांचा, अलग अलग झोंपड़ियों या दूर दराज के जंगलों में या ढलान पर खेत या चारागाह वाली पहाड़ियों पर कुछ झोंपड़ियों के झुरमुट मिलते हैं,
तो वो जो झुरमुट मिलते हैं आपके पहाड़ियों पर, ढलानों पर, वो आपके मेघालय के हैं, तो इसका ये जवाब है, इससे पहले से मिल जाएगा। लेकिन हमने इस सवाल को देखना है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ओनली टू, यानी कि सी ऑप्शन है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर प्लान, नागपुर प्लान के ऊपर है। नागपुर प्लान 1943 एंड 20 ईयर प्लान 1961 आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चार ऑप्शन है आपके पास में और इसका जो जवाब होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। चार ऑप्शन है, आप भी मेरे सामने जो है साथ साथ प्रैक्टिस करके इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो जवाब होना चाहिए ये है आपका ए जवाब, ठीक है। तो ए जवाब है आपका, तो वो है आपका सड़क परिवहन 1943 की नागपुर योजना और 1961 की 20 वर्षीय योजना, ठीक है। तो इसका संबंध है आपका सड़क परिवहन से। तो दूसरे विश्व युद्ध के पहले भारत में आधुनिक दृष्टि से सड़क परिवहन बहुत सीमित था। इस दिशा में सबसे पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना के द्वारा किया गया। हालांकि भारतीय रियासतों और ब्रिटिश इंडिया के बीच तालमेल की कमी के कारण इस योजना को लागू नहीं किया जा सका। स्वतंत्रता के बाद सड़कों की हालत सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना 1961 में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है कि रेशम की निम्नलिखित में से कौन भारत में उत्पादित किए जाने वाले अधिकांश प्राकृतिक रेशम के लिए जिम्मेदार है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज ऑफ सिल्क अकाउंट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ टोटल नेचुरल सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, मलबरी, इरी, टसर और मुगा। ये चारों की चारों जो है रेशम की जो है ये किस्म है। तो इसमें आपका जवाब है शहतूत वाली मलबरी, ठीक है। यानी कि ए जवाब है आपका मलबरी, शहतूत वाला, तो ए जवाब है। उसके बाद एक और सवाल देख लेते हैं इसके बाद कि आम, मतलब आस, अमन और बोरो क्या है। चार ऑप्शन है, पैडी ग्रोइंग सीजन इन ईयर इन ईस्टर्न इंडिया, नेम्स ऑफ लोकल विंड्स इन हिमालयन रीजन, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, हाइब्रिड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट क्रॉप्स। तो ओस, अमन और बोरो, तो क्या जवाब हो सकता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है और अगर आपने पहले कभी सुना है कभी इनका नाम अमन और बोरो का, तो आपको जरूर याद आएगा, बिल्कुल ये धान की फसलें हैं। तो इसका जवाब हो सकता है ए, ये जवाब है पैडी ग्रोइंग सीजन ईयर इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया मतलब आपका बंगाल, आसाम, आसाम में और आपका बंगाल में, ठीक है, और उड़ीसा में। तो वहां पर इन्हें जो है इन नामों से जाना जाता है, ओ, समन और बोरो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के लिए। बाकी डिटेल आप हमारी हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो हमारी वेबसाइट पर भी आप डिटेल चेक कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।